आप कहाँ से हैं हकीम साहब? मैं मेवात से हूँ जनाब, मेवात से, एक तहसील पुनहाना है, उसमें फलंडी गाँव है, फलंडी साहचों का। आपके साथ गोरक्षा का नाम जुड़ा हुआ है। जी जी जी। ये गोरक्षा क्यों होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए जनाब? ये दरअसल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि गाय के बिना इंसान जीवित ही नहीं रह सकता। सच्ची बात ये है, गाय एक ऐसा पशु है, हम गाय को नहीं बचाते बल्कि गाय हमें बचाती है। हमारी आंखों में पट्टी लगी हुई है, हम ये कहते हैं कि हम गाय बचाएं। हम कौन होते हैं गाय बचाने वाले? गाय नहीं रही तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी। मैं नहीं कहता ऐसा, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा कुरान कहती है, इस्लाम का कानून कहता है। के जो गुण हैं जी, उनके बारे में कुछ बताइए जनाब। जितने पशु धरती पर आए हैं, सबसे ज्यादा गाय के दूध में जो गुण है वो किसी पशु के में नहीं है। इसका जो घी निकलता है उसमें जो गुण है वो और किसी पशु के घी में नहीं है। इसकी छाछ और दही में जो गुण है वो किसी भी पशु के में नहीं है। यहाँ तक कि इसके गौमूत्र से असाध्य बीमारियों का इलाज भी होता है। अल्लाह के नबी ने कहा है कि गाय का दूध और घी अमृत है और इसका गोश्त नुकसानदायक है। तो इस्लाम मजहब में अल्लाह के नबी से आगे तो कोई इंसानों में बात ही नहीं। हकीम साहब, गौ हत्या में ज्यादातर मुसलमानों के नाम आते हैं, आप उन लोगों को जो गौ हत्या करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जनाब, इसकी तीन बातें हैं। पहला तो मैं भारत सरकार से बार बार अपील करता हूँ कि भारत सरकार को गौ पूर्ण गौ हत्या बंदी कानून बनाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उन कसाईयों को जो जिनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, या तो उनको समझाएं, गाय का महत्व समझाएं, और नहीं समझते तो उनको उस कानून के तहत पूरी सजा मिलनी चाहिए। और जो ये बकरीद पे गाय काटने का प्रावधान कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? दरअसल जनाब, पहली बात तो ये है कि शरीयत में कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि गाय की ही कुर्बानी होनी जरूरी है। कहीं भी ऐसी कोई शर्त नहीं, बल्कि मैंने तो पिछले दिनों दारुल उलूम देवबंद से फतवा भी जारी कराया था कि बकरा ईद के मौके पर मेहरबानी करके मुसलमान गाय की कुर्बानी ना करें। ये तो लालच में, चूंकि गाय कम पैसे में मिल जाती है और भैंस और दूसरे जानवर ज्यादा पैसे में मिलते हैं, इसलिए लालच में लोग इसको ज्यादा करते हैं। तो लालच में आके गाय की हुई कुर्बानी, क्या उनकी अल्लाह को कबूल होती है? शरीयत के एतबार से तो, चूंकि जो चीज इस तरह चोरी चुरिया होती है, मेरी मौलवियों से बात हुई, ये सही बात यह कि इसका गोश्त वैसे भी जायज नहीं है, और जिसका गोश्त वैसे ही जायज नहीं है इस तरह से चोरी में, तो कुर्बानी की बात कहाँ रह गई? मेहरबानी।